हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3S फैमिली होम किचन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं आज आप लोगों के साथ पत्ता गोभी के साथ चना दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो काबुली चना होता है। तो मैंने यहाँ पे लाल मिर्च, इलायची बड़ी वाली छोटी वाली, और लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, हरी मिर्ची ले लिया है। साथ में मैंने पत्ता गोभी को भी चॉप कर लिया है गाजर के साथ, और धनिया पत्ता को भी चॉप करके ले लिया है। और काबुली चना को मैंने 2 सीटी तक लगा के फिर इसकी पानी मैंने निकाल के साइड में रख दिया था। तो अभी एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है खूब सारा सरसों का तेल, तो ये जो पूरी सब्जी है सरसों के तेल में बनेगी। साथ में मैं इसमें डाल दे रही हूँ जीरा, तो जीरा जैसे चिटकने लगेगा इसमें हम डाल देंगे तेज़पत्ता और बाकी सारे खरे गरम मसाले। तो मैंने सारी चीज़ इसमें डाल के मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। उसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। तो इसमें मैं प्याज टमाटर किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगी, मैं बिल्कुल सिंपली बना सकती हूँ। आप चाहो तो इसको बिना लहसुन के भी बना सकते हो, जैसे वेज बनता है उसी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे अदरक का पेस्ट डाला है, लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है। तो अभी इसको भी थोड़ी देर हम भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो पत्ता गोभी है उसको ऐड करते जाएंगे। तो गाजर को भी हम साथ में ही ऐड कर देंगे, क्योंकि गाजर को सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पत्ता गोभी बहुत सारा है इसीलिए मैं 2 बार में इसको ऐड करूँगी। तो पहले मैं थोड़ा सा ऐड करके इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और पत्ता गोभी जो है पानी छोड़ दे जल्दी से। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अब ढक के पकाइए, तो जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाता है, बहुत जल्दी बन भी जाता है, टेस्टी भी बनता है। तो 10 से 15 मिनट में आपकी जो ये सब्जी है पूरी बन के रेडी हो जाती है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ भी। कमेंट में बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करके लगा दूँगी लेड, इसमें 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसमें लीड लगा दूंगी। तो 4 से 5 मिनट के बाद देखिए पत्ता गोभी जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अभी जो बाकी के पत्ता गोभी है उसको भी ऐड कर देंगे इसमें। तो ये जो सब्जी बनेगा ना, ये पूरा लीड लगा के ही बनेगा, तो उससे क्या होगा जल्दी भी बनेगा और ये टेस्टी भी बनेगा। तो आप अगर गैस में बना रहे हो तो आपका गैस भी बच जाएगा। तो देखिए मैंने दोबारा जो पत्ता गोभी मेरा था उसको भी मैंने ऐड करके अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद इसमें मैं दोबारा से लीड लगा दूंगी और गैस के फ्लेम को मीडियम लो पे रखे, ज़्यादा हाई मत कीजिए, तो ये पकने के जगह पे जल जाएगा पूरा। तो यहाँ पे देखिए मैं दोबारा इसमें लीड लगा दे रही हूँ। लीड लगा के मैं इसको फिर से 5 से 6 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए पत्ता गोभी मेरा थोड़ा सा हो गया है। तो यहाँ पे हमारा जो पत्ता गोभी है मैंने दोबारा से लीड लगाने के बाद अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें भी हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच ले लिया है हल्दी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, आप जितना तीखा खाते हो उसके अकॉर्डिंग डालिए। कलर के लिए मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद नहीं है तो बस आप हल्दी, नमक और जो मैगी मसाला होता है उसको डाल दीजिए, तो उससे भी टेस्टी बनता है। तो मैंने यहाँ पे जीरा और धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। अभी हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मैंने पहले थोड़ा सा नमक डाल दिया था, उसके बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 चम्मच और नमक यूज़ किया है, कि इसमें दाल भी ऐड करना है अभी हमारा। तो दाल में भी मैंने नमक हल्दी कुछ नहीं डाला है, बस ऐसे सिंपली मैंने सीटी लगाया था। अभी सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे मीडियम फ्लेम पे करके गैस को, ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। तो देखिए मैंने मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, फिर से लीड लगा के छोड़ देंगे
6 से 7 मिनट के लिए। तो उसमें मसाला भी हमारा रेडी हो जाएगा और पत्ता गोभी का जो पानी है वो भी अच्छे से निकल जाएगा, जो हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से उससे पक जाएगा। तो देखिए मैंने लीड हटा लिया है और पत्ता गोभी का देखिए थोड़ा थोड़ा पत्ता गोभी ने पानी छोड़ दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, जो हमने दाल में सीटी लगा के रखा है ना, वो दाल को हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। तो मैंने साइड में गर्म पानी होने के लिए रखा है, आप जब भी ये सब्जी बनाओ ना उसमें आप गर्म पानी का यूज़ करें। तो देखिए मैंने दोबारा तीसरी बार या चौथी बार मैंने लीड लगा के इसको थोड़ी देर और पकने दिया है ताकि जो पानी है वो अच्छे से सूख जाए। अभी हम इसमें काबुली चना जो हमने बॉईल करके रखा था उसको हम डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो आप इसमें गर्म पानी का ज़रूर यूज़ कीजिए, नहीं तो जो दाल है हमारा वो टाइट हो जाएगा, जैसे हमने इसमें सीटी लगा के उसको सॉफ्ट किया था। अगर आप ठंडा पानी डालोगे उससे ये थोड़ा सा सख्त हो जाता है, तो इसीलिए इसमें गर्म पानी का ही यूज़ कीजिए। मैंने मसालों के साथ अच्छे से काबुली चना जो हमने डाला है उसको भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें भी लीड लगा के दोबारा मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने दूंगी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पूरा लीड लगा के सब्जी जो हमारा वो बनने वाला है, तो अच्छे से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। अगर आप लीड नहीं लगाते तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अभी सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद दोबारा मैंने इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया है। चीनी से इसका जो मसाले का टेस्ट है वो बहुत अच्छे से उभर के आता है। तो चीनी को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी सब्जियों के साथ, और उसके बाद हम इसको चलाते हुए थोड़ी देर और पकने देंगे। फिर हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अभी हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा ये ग्रेवी वाला चाहिए तो पानी आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 ग्लास पानी यूज़ किया है ताकि जो मेरी सब्जी है वो मैं ठीक बनाऊँगी, तो इसीलिए। तो आप इसको पराठे या रोटी के साथ खा सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो इसमें फिर से मैं लीड लगा दूंगी, तो ताकि उसे जो हमारी सारी सब्जियाँ है जो थोड़ा सा हार्ड रह गया वो सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल पानी जो हमारा है वो सूख गया है। तो लीड हटाने के बाद भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो आप इसको ज़रूर घर में एक बार ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बना था। तो मैंने इसमें लास्ट में धनिया पत्ता डाल दिया है जो मैंने चॉप करके रखा था। आप चाहे इसमें थोड़ा सा बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो धनिया पत्ता डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 2 से 3 सेकंड के लिए पकने देंगे। लास्ट में मैं इसमें जो सब्जी का मसाला रहता है उसको मैंने डाल दिया है, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो लास्ट जो है गैस बंद कर देने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। पहले आप गैस बंद कर लीजिए, उसके बाद ही आप घी को ऐड कीजिए। तो घी को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों के साथ। उसके बाद मैं लीड लगा के इसको छोड़ दूंगी 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि जो घी की अच्छी सी खुशबू है वो सारे सब्जी में अच्छे से आ जाए। तो लीड लगाने के बाद इसको 6 से 7 मिनट के बाद हम इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म। तो मैंने सब्जी को रोटी के साथ सर्व कर लिया है और साथ में आम का अचार ले लिया है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बाय बाय।